हाई फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस दैट इफ़ एफ डी आ होमोमॉर्फिज़म ऑफ आर रिंग आर इंटू आर रिंग आर डैश विथ कर्नल एस दैन एस इज एन आइडियल ऑफ आर सो ये एक मेन प्रॉब्लम है होमोमॉर्फिज़म के अंदर ऑफ रिंग्स के अंदर सो so, सबसे पहले हमको ये क्या बोल रहा है कि अगर एफ दैट इज एक होमोमॉर्फिज़म रिंग आर इनटू अ रिंग आर डैस में डिफाइन किया गया है विथ कर्नल एस से सो so, जो हमारा एस होगा दैट इज कर्नल कर्नल को हम लोग एस से डिनोट किए हैं तो एस जो है वो आइडियल होगा आर का ठीक है सो सबसे पहले दो रिंग्स सपोज कर लेते हैं सो लेटर सपोज आर एंड आर डैस आर टू रिंग्स एंड एफ डी आर होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम आर इनटू अ रिंग आर डैस विथ कर्नल एस इन का मतलब कि आर डैस के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनका मैप आर का एलिमेंट्स के साथ नहीं हुआ है, ठीक है सो so, हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि ए का मैपिंग जीरो डैश दैट इज आर का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हुआ है बी का भी हुआ है सी का भी हुआ है सो ये जो सेट हो गया उसी को हम लोग कर्नल बोलते हैं और कर्नल का नाम यहाँ पे हम एस से डिनोट किए हैं ठीक है ठेके? सो जो हमारा कर्नल है वो एस से डिनोट हुआ है एस में कैसे एलिमेंट है वो एलिमेंट जो आर डैस के जीरो एलिमेंट के साथ मतलब मैप हुआ है सो हमारा एफ़ ए इज़ इक्वल टू जीरो डैस हो जाएगा एफ़ बी इज़ इक्वल टू जीरो डैस हो जाएगा एफ़ सी इज़ इक्वल टू जीरो डैस हो जाएगा ठीक है सो so, हमको प्रूव करना है कि एस जो है वो एक आइडियल है आर का ठीक है सो so, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा आर आइडियल होने के लिए जो आइडियल का कंडीशन है उसको शो करना होगा सो so, आइडियल का कंडीशन के लिए हमको क्या क्या कंडीशन शो करना होगा सो so, आइडियल में सबसे पहले बोलता है कि जो एस है दैट इज जो गिवन सबसेट है वो अंडर एडिशन एक सब ग्रुप होना चाहिए आर का ठीक है तो सब ग्रुप सबसे पहले शो करना होगा और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है दैट इज सेकेंड कंडीशन क्या शो करना होगा कि अगर हम कोई इलिमेंट आर से ले दैट इज रिंग से ले और कोई छोटा इलिमेंट एस जो कि हम एस से ले रहे हैं तो आर एस का जो वैल्यू होगा वो एस ई में होना चाहिए और एस आर का वैल्यू जो है वो भी एस में होना चाहिए फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू एस ठीक है सो so, ये दोनों कंडीशन को हमको प्रूफ करना होगा सबसे पहले हमको प्रूफ करना है कि एस प्लस जो है वो एक सब ग्रुप है आर का तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सब ग्रुप को कैसे कैसे हम शो कर सकते हैं सब ग्रुप को वन सब ग्रुप स्टेप से या फिर टू स्टेप सब ग्रुप से चेक कर सकते

पहले तो हम एस को डिफाइन किए कि बाय द डिफिनेशन ऑफ कर्नल एस इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैस सो ये हमारा एस का डिफिनेशन हो गया नाउ एफ़ जीरोज़ इक्वल टू जीरो डैस क्योंकि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी में ही मैप होने वाला है सो एफ़ जीरो इज ईक्ल टू जीरो डैस है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एस है वो नॉन एम्पटी है क्योंकि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी में मैप होने ही वाला है तो हम ए बी दो इलिमेंट एस से चुन सकते हैं आर्बिट्री कोई इलिमेंट ठीक है सो ए एफ ए को हम माने जीरो डैस क्योंकि एस से चुन रहे हैं तो एस में तो बाई डेफिनेशन एस में जो इलिमेंट्स मैप होते हैं वो कैसे होते हैं एफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो डैस होते हैं सो so, अगर ए एस में बिलोंग कर रहा है तो एफ ए इज इक्वल टू जीरो डैस होगा अगर बी एस में बिलोंग कर रहा है तो एफ बी इज इक्वल टू जीरो डैस होगा हमको एफ ए माइनस बी से मतलब है क्योंकि हमको ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस दिखाना है दैट मीन्स कि हमको ए माइनस बी एस में बिलोंग करता है उसको दिखाने के लिए अगर हम एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो डैश प्रूव कर दे तो बाय डिफिनेशन ऑफ कर्नल हम ए माइनस बी को एस में बिलोंग कर रहा है वो दिखा देंगे नाउ एफ ए माइनस बी को अगर हम ऐसे ए प्लस माइनस बी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है सो तो हम इसको उसके बाद हमको क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है कि जो रिंग आर है और होमोमोर्फिजम एफ डिफाइंड है तो अगर हम एलिमेंट ए लेते हैं तो ये यहाँ पे जाके एफ ए होने वाला है यहाँ पे अगर बी लेते हैं तो यहाँ पे जाके एफ बी होने वाला है ठीक है सो अगर हम दैट इज ये अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लीकेशन सो अगर हम एफ ए प्लस एफ बी एफ ए एफ ए प्लस बी करते हैं सो so हमारा यहाँ पे एफ ए प्लस एफ बी लिख सकते हैं बाय द डिफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और अगर हम एफ ए बी करना चाहे, तो एफ ए डॉट एफ बी लिख सकते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन सो ये रिंग का प्रॉपर्टी रिंग के अंदर होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन में ये दो कंडीशन होता है ठीक है सो so इसी को हम लोग यूज़ करने वाले दैट इज़ एफ ए प्लस माइनस बी है तो हम लोग इसको एफ ए प्लस एफ माइनस बी लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म ठीक है नाउ माइनस बी को बाहर फेंक दिए तो ये हो गया एफ ए माइनस एफ बी एफ ए और एफ बी का वैल्यू हम क्या लिखे हैं जीरो डैस जीरो डैस और जीरो डैस माइनस जीरो डैस इज इक्वल टू जीरो डैस तो हम कुछ ऐसा प्रूफ कर दिए हैं कि एफ ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस और ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस हम लोग अगर शो कर दिए

आर दैट इज स्मॉल आर ले रहे हैं आर से जो कि रैंडमली हम ले रहे हैं दैट इज आर्बिट्री एलिमेंट कोई ले रहे हैं एफ ए का वैल्यू जीरो डैस है वो तो हम पहले ही देख चुके हैं एफ आर का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ ए आर को हम लोग एफ ए डॉट एफ आर लिख सकते हैं और एफ ए का वैल्यू क्या है जीरो डैश सो जीरो डैश इन एफ आर ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन है तो ये क्या हो जाएगा जीरो डैस ही हो जाएगा सो एफ ए आर इज इक्वल टू जीरो डैस गया इसका मतलब ये भी सामने जाके आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है सो तो ये एफ आर जो ए आर जो है वो कर्नल में बिलोंग कर रहा है दैट मीनस ए आर जो है वो बिलोंग्स टू एस तो so सिमिलरली हमको दोनों कंडीशन दिखाना था कि आर एस और एस आर दोनों ही इसमें बिलोंग करता है तो हम यहाँ पे एस आर साबित कर दिए हैं कि एस में बिलोंग कर रहा है तो हमको पहले फिर आर एस को भी दिखाना होगा सो एफ़ आर ए का वैल्यू अगर हम निकालना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ आर डॉट एफ ए बाय द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म फिर एफ ए का वैल्यू फिर से सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ आर डॉट जीरो डैस दैट इज़ एफ आर का वैल्यू हो गया जीरो डैस और एफ आर इज इक्वल टू जीरो डैस हो गया इसका मतलब क्या है कि ये जो आर ए है वो आर डैस का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है दैट मीन्स जो आर ए है वो कर्नल का मेंबर है और कर्नल का मेंबर है इसका मतलब कि आर ए जो है वो एस में बिलोंग करता है सो so, all the conditions of ideal are satisfied. Hence, we can say that by the definition S is an ideal of R. Okay? Hence, prove the theorem that if F be a homomorphism of a ring R into a ring R dash with kernel S, then S is an ideal of R. Okay? So, I hope you have understood.